नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों डिफेंस सेक्टर के आप कह सकते हैं कि मोनोपॉली स्टॉक भी इनको आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तीनों शेयर एकदम अच्छा खासा मार्केट कैप्चर भी करके रखे और अभी तक स्टॉक मल्टी बैगर भी बन के साबित हुए हैं। तीनों स्टॉक की बात करें तो पहला स्टॉक रहेगा मझगांव डक। मझगांव डक में दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली, जो कि यूरोप से इस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। तो हालांकि दोस्तों इस न्यूज़ को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में आके इस कंपनी को बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, उसके पीछे का रीजंस मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी थोड़ा आने वाले समय में हो सकता है कि स्लो भी चल सकती है। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो जो एनालिस्ट का मानना है कि अभी इस स्टॉक में कुछ भी गिरावट देखने को नहीं मिल सकते, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। यमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस स्टॉक को आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टॉक दोस्तों मझगांव डक है। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी देखिए डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीएसयू सेक्टर वाली कंपनी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में मतलब कि एक फ्लैट कारोबार किया था, तो हो सकता है दोस्तों कि मंडे के दिन इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अगर आप गुड न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो मझगांव डक को मतलब आप कह सकते हैं कि यूरोपियन क्लाइंट लगभग 3 जहाज बनाने का जो कि विसल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लगभग 42 मिलियन का जो कि इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके कारण हो सकता है कि मंडे के दिन इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। मंडे के दिन इस स्टॉक में मतलब कि तेज़ी देखने को मिलेगी, तो बाइंग करना है नहीं करना दोस्तों इसी न्यूज़ में आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो कि 42 मिलियन के आसपास जो कि डॉलर में बात हो रही है दोस्तों, 3 विसल बनाने की जो कि जहाज में यूरोपियन क्लाइंट से जो कि कंपनी को ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 7500 जो कि डेड वेट टन की जो कि DWT दोस्तों, इससे रिलेटेड भी आगे बात होगी, मतलब जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए हाइब्रिड पावर विसल जो कि बनाया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको वही न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने इन्फॉर्म करके बताया है 14-15 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिला। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 42 मिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे बताया कि डेड वेट की बात करें तो इससे रिलेटेड ही बात हो रही है, जैसा कि स्टार्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट में जो कि देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि सबसे पहले देखिए जो कॉन्टैक्ट हुआ है लगभग आप कह सकते हैं कि 27 महीने में दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ये जो फर्स्ट विसल इनको मतलब कि डिलीवर होगा 27 महीने में डिलीवर होगा। उसके बाद जो भी डिलीवरी होगा दोस्तों हर 2 महीने के अंतराल में इस कंपनी को डिलीवर करना होगा। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट रहता है कम से कम 3-5 साल का जो कि टाइमिंग लगता है। तो ऐसे में जो भी रिटेलर दोस्तों इस कंपनी में निवेश करेंगे, मोनोपॉली है, कंपनी अच्छी है ख़राब नहीं, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज डिफेंस सेक्टर जो कि एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, आने वाले समय दोस्तों कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस न करे तो हो सकता है दोस्तों मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रह सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे तो 15 दिसंबर को 6 तारीख मतलब 6-7 बजे के आसपास न्यूज़ भी देखने को मिला था, जिसके कारण स्टॉक में कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि मंडे के दिन इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिले, तो आपको जो कि ब्लाइंडली बाइंग नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें दोस्तों सारा न्यूज़ आपको वही देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 40-42 मिलियन के आसपास जो कि ऑर्डर देखने को मिला, यही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों देखिए इस कंपनी में जो भी निवेश करेगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से निवेश करना, क्योंकि रिसेंट में दोस्तों कभी मतलब क्या है कुछ स्टेक सेल भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पीएसयू सेक्टर में क्या है दिक्कत रहती है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, इतनी बड़ी मोनोपॉली कंपनी दोस्तों, उसमें जब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेक को सेल किया तो हो सकता है कि आने वाले समय दोस्तों आज भी इस कंपनी में 85% का स्टेक देखने को मिल जाए, तो कुछ मार्केट में और भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये फ्यूचर की बात है, हालांकि गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से अभी तक का हमने जो 1500 का टारगेट वहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन हाँ आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 1800 के आसपास आती है, तो फिर चाहे तो आप एक बाइंग कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी 2500 के लेवल को तोड़ती है, तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को भी तोड़ सकती है। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप फ्राइडे के दिन देखेंगे तो स्टॉक एक लाल निशान में जो कि मतलब देखने को मिला दोस्तों, यहाँ प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ये कंपनी रही। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, देखिए दोस्तों सबसे पहले ये जितनी भी कंपनियाँ आपको लाल निशान में या मतलब कि डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, इतना अच्छा खासा मतलब इसके पहले रिटर्न बना के देते हैं, उसके नेक्स्ट डे ही गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि लगातार ये स्टॉक भागते रहते हैं, जैसा अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पहले तेज़ी फिर गिरावट वापस तेज़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स में ही चलने वाले स्टॉक है, जो कि एक फ्लैट ही 5 दिन में कारोबार किया है। यहाँ पे अगर 1 महीने की बात करें लगभग 30% का कंपनी रिटर्न बना के दिया, और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आप कह सकते हैं 40-42% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों, उस समय ये कंपनी 1800 पे आई थी, तब किसी ने बाइंग नहीं किया दोस्तों। और अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट भी करूँगा ना
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% के ऊपर कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे भी दिया है। ऐसा भी नहीं दोस्तों, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो एनालिस्ट होते हैं, मतलब देखा जो ट्रेडिंग पर्पज़ से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं दोस्तों, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है उसकी अगर मैं बात करूँ तो अभी उसको मतलब कि उसके जो डाउन के टारगेट है दोस्तों वो मना बोल रहे हैं। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमीडिएट जो फॉल देखने को मिलेगा दोस्तों, हो सकता है 2600 से 2400 तक के लेवल को फॉलो कर सकता है। आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि मतलब 3200 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा दोस्तों किसकी बात हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात हो रही है। मतलब इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये कंपनी आने वाले समय में ऊपर ही जाने वाली है। हालांकि दोस्तों जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे बताते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को फ़ायदा होगा दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा या बहुत सारी कंपनियाँ दोस्तों मतलब कि ग्रो करेगी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी ग्रो करेगा। क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से डायरेक्टली सभी जुड़े हैं दोस्तों, तो सभी से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों ये जो भी जहाज़ बनाएगी कंपनी, मतलब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इसमें तेज़ी क्यों थी, तो आपसे बताना चाहते जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्तों, तो वो जैसे ही मतलब जो फाइटर जेट था उसमें मतलब कि उन्होंने सवारी की दोस्तों, मतलब कि उसके जो उड़ान भरे, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करें तो उनको ट्रस्ट आया दोस्तों कि जिस फाइटर जेट में प्राइम मिनिस्टर स्वयं बैठ रहे हैं दोस्तों, तो उसके मतलब कि क्रैश होने के या उसमें दुर्घटना के बहुत ही कम चांस है। तो ये सबसे बड़ा एक ट्रस्ट जागा दोस्तों, उसके बाद स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अभी तक का जो हमारा टारगेट प्राइस दोस्तों इस कंपनी का, हमने लगभग 3000 रुपये का टारगेट दिया। अगर 3000 के लेवल को तोड़ता है तो ये कंपनी आने वाले समय दोस्तों 5000 के लेवल को भी तोड़ेगी। रिसेंट में हमने ब्रोकर्स को भी देखा दोस्तों, तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस कंपनी का 3000 रुपये टारगेट दे दिया। 3000 वो अप टारगेट देना हमने पहले ही दे दिया दोस्तों। और इस कंपनी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2820 के लेवल को अभी तक कंपनी टच किया है। और देखा जाए दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी के चार्ट आपको अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं दिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 700 से 800% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी बना के दे दिया है। तो आने वाले समय अगर 3000 के लेवल को तोड़ती है कंपनी दोस्तों, जल्द से जल्द तोड़ भी सकती है। तो 5000 जाना कोई ईजी काम नहीं है, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन के साथ ये कंपनी ऊपर जा सकती है। गिरावट की बात करें तो ये कंपनी 2500 से 2700 के आसपास ही चल सकती है। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए इस कंपनी को भी आप चाहे तो मतलब कि थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं। इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना दोस्तों। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, देखिए पूरे डिफेंस सेक्टर को अगर ग्रो होना है दोस्तों, तो उसमें एमटा टेक्नोलॉजी का भी आने वाले समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर की बात करें तो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा मतलब कि इस कंपनी का भी स्कोप देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए ये भी कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। इसके भी अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो जितनी छोटी कंपनी उतना रेवेन्यू कम जनरेट कर रही है। अभी दोस्तों इलेक्ट्रिक कारों की अगर मैं बात करूँ तो उनके पहले के अगर आप देखेंगे रेवेन्यू जा करके तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक का ज़माना आया दोस्तों, वैसे ही देखा है तो 1000-1000 करोड़ का वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। ऐसे में देखा जाए तो हो सकता है जिस समय न्यूक्लियर पावर की बात करें तो फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो हो सकता है कि इस कंपनी के भी रेवेन्यू बढ़ते हुए देख सकते हैं। कोई भी शॉर्ट टाइम की बात नहीं हो रही, सब लॉन्ग टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट से दोस्तों इस कंपनी के ऊपर चाहे तो आप फोकस बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखें तो अभी भी कंपनी 15% का रिटर्न बना के दे रही। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी इसी के आसपास चल रही, मतलब कोई बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। वाई टू डेट की बात करें तो 37% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने अभी तक पैसे को ही डबल किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाया है। बाय करने का पीछे का दोस्तों सबसे बड़ा जो रीजन हमको दिख रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रमोटर को तो पैसे की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, क्योंकि उनको कंपनी को आगे बढ़ाना है। तो चाहे अपने पास से लगाए चाहे बैंक से लोन लेके लगाए, तो उनको तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा। तो हालांकि दोस्तों देखिए कोई छोटी कंपनी हो तो उसको सख्त से सख्त मतलब देखा तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और उस पीरियड में देखा तो कंपनी में कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे स्टेक बेच के आ रहा है चाहे लोन लेके आ रहा है दोस्तों। तो उस पॉइंट से देखा है तो FIs ने दोस्तों इस कंपनी में बाइंग किया और DIs ने देखा है तो कुछ स्टेक को सेल किया है। रही बात वही पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक ने भी दोस्तों इस कंपनी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेलिंग किया है। हालांकि मेरे पॉइंट से दोस्तों अभी दोनों का अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ FIs और DIs की, तो दोनों में देखा है तो एक अच्छा खासा स्टेक भी देखने को मिला। तो इस पॉइंट से आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा अपना मतलब फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व देखा है तो 650 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है। डेट की बात करें तो 250 करोड़ के आसपास डेट है, जो कि छोटी कंपनी दोस्तों तो डेट इतना कुछ खास नहीं है। सबसे खास बात जो देखने को मिल रही है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 10 साल का अगर एवरेज निकाल के देखेंगे तो कंपनी 20% पे है। लेकिन हाँ TTM की बात करें तो 72%, 3 साल में 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो देखिए दोस्तों जब
आपको मतलब कि एक ऊपर आना है तो उसमें थोड़ा आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है TTM में 72% का, तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव में ले सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा क्या है, आज नहीं कल जो कि अपना प्रॉफिट निकल जाएगा। CGR की बात करें तो कंपनी 40% के आसपास रिटर्न बना के दिए, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लॉन्ग टाइम में अच्छे हो जाएंगे, हालांकि लास्ट ईयर की बात करें 18% के आसपास दिख रहा है। जो रिटेस्टर नए हैं दोस्तों, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम बाई क्यों करें, सबसे पहले दोस्तों देखिए रिसेंट अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ये कंपनी कहाँ बिलोंग करती है, तो 1970 से कंपनी काम कर रही है, कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इस कंपनी के पास जो भी मतलब दोस्तों देखिए, सबसे पहला कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एनर्जी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, न्यूक्लियर के रिलेटेड बात करें, स्पेस एरोस्पेस डिफेंस से रिलेटेड, मतलब दोस्तों जो इस समय सेक्टर एकदम ट्रेंडिंग में है उसी सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है। बस फर्क क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी एक छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, ऐसा नहीं कि कंपनी का पूरा मार्केट कैप ही खत्म हो जाए, कंपनी गिर के खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं दोस्तों। हाँ, गिरावट होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2920 रुपये से ये कंपनी मतलब अभी देखा है तो 2200 के आसपास चले, तो मतलब कहने का क्या है दोस्तों, जिस समय गैप दिखाएगी तो कंपनी 500-700 पॉइंट इजीली करेक्ट हो जाएगी, जिस समय तेजी आएगी दोस्तों तो एक अच्छी खासी डिसेंट तेजी भी देखने को मिलेगी, हो सकता है 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए मेरे पॉइंट से अगर इस कंपनी में आप अभी रिसेंट में पैसा लगाते हैं दोस्तों, देखिए हम कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं। ये कंपनी आने वाले समय दोस्तों गिरावट के अभी इसके बहुत ही कम चांस है, हो सकता है 2200 से 2100 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है, रिस्क बहुत ही कम है दोस्तों, और ऊपर जाने की इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय कंपनी 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू दोस्तों।